हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपिका लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप लोग? और कल मैंने दोस्तों वीडियो डाली थी नाइट रूटीन की, तो उसमें आवाज़ क्लियर नहीं थी, उसके लिए सॉरी। मैं दोबारा से नाइट रूटीन की अपनी जब दोबारा वीडियो बनाऊंगी तो मैं डाल दूंगी, क्योंकि वैसे भी मैं कई चीज़ें यूज़ करती हूँ नाइट में, तो अलग अलग मैं डाल दूंगी, उसके लिए सॉरी। आज मैं आपको फेस पैक बताऊँगी, जो होम रेमेडी फेस पैक है, आप आसानी से अपने घर पर बना के, घर की चीज़ों को बना के से बना के अपना यूज़ कर सकते हो, और ये धीरे धीरे आपकी स्किन ब्राइट भी करती है, ओपन पोर्स कम करती है। तो मैं वही यूज़ करती हूँ जो हफ्ते में आप, दो हफ्ते में जब मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको कि मैं कैसे बना के लगाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच बेसन, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं इस बेसन को। और इसके बाद अब मैं इसमें मिक्स करूँगी थोड़ा सा हल्दी 1 पिंच, इसमें अब 1 से 1.5 चम्मच दूध यूज़ करूँगी मैं, और साथ में हनी, शहद आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं इसमें शहद देख लीजिए, और एलोवेरा जेल, थोड़ा सा एलोवेरा जेल है बस। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए, आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे अपने फेस पे लगाऊंगी। मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा असर करता है। ये आप खुद यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद आप खुद देखिएगा। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आप लोग अगर किसी की ऑयली स्किन है तो आप इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं, 3-4 बूंद जो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें नींबू का रस। और अगर आपके घर पे दूध नहीं है उस टाइम पे, या फिर दूध नहीं मिलाना चाहते हैं, तो आप गुलाब जल मिला सकते हैं, और गुलाब जल के साथ में 1/2 चम्मच इसमें दही डाल लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। इसमें नींबू का सॉरी टमाटर का जूस मिला सकते हैं, टमाटर का रस आप निकाल के थोड़ा सा वो मिला सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी स्किन हो जाती है आपकी। ये सारी चीज़ें आप घर पे अवेलेबल होती है, आप आराम से कभी भी, आपके टाइम है आपको 10-15 मिनट का, आप निकाल लीजिए और लगा के आराम से 2-4-10 मिनट के लिए बैठ जाइए, सूख जाता है आराम से, उसके बाद आप इसे धुल लीजिए ठंडे पानी से। बस कुछ भी नहीं करना होता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, उसके बाद आप लगा लीजिए, लगा के आप कुछ भी करते रहिए। हाँ, ये है कि जब ये सूखने लगे तो आप कोशिश कीजिए कि बोलना नहीं होता है और हंसना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप जैसे 1-2 बार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू अगर 1-2 हफ्ते में लगा रहे हैं फेस पैक और हंस बोल रहे हैं तो झुर्रियाँ आ जाती है। तो कोशिश कीजिए उस टाइम पर ना बोलें, लगाने के बाद जब ये सूखने लगे, बस आप नेक तक लगा सकते हैं। और जैसे किसी की शादी वगैरह है किसी लड़की की, तो वो अपने हाथों पे भी लगा सकती हैं, जैसे कि अगर हाथ जैसे सांवले हो जाते हैं, खुले रहते हैं, तो वो भी थोड़ा असर करता है, उस पर भी आप अपने हाथों पे लगा सकते हैं, कहीं शादी पार्टी में जाना है तो लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, बस मैंने इसे लगा लिया है और इसे मैंने सूखने के लिए रख दिया था। बस 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं चेक कर रही थी कि सूख गया है नहीं सूखा है, क्योंकि अगर उतनी देर तक मैं लाइन पे वीडियो रखती तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, लगभग ये सूख चुका है। फिर भी मैं इसे 2 मिनट के लिए और छोड़ रही हूँ, और ये जो शाइनी सा दिख रहा है तो ये हनी की वजह से, बाकी ये सूख गया है, ये देखने में लग रहा है गीला है, बाकी ये शहद की वजह से शाइन कर रहा है, ये सूख गया है। बस अब मैं मुँह धुल के आ रही हूँ, मैं मुँह धुल के आ चुकी हूँ, आप देख लीजिए अभी कितना असर, कितना अलग सा फेस दिखने लगता है। अगर आप जैसे स्क्रब नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप जैसे ये थोड़ा सा गीला ही रहे और गीले ही पे ये थोड़ा सा रफ़ करिए तो ये स्क्रब का काम करता है। और ठंडे पानी से धुल के बस मैं सीरम लगा रही हूँ यहाँ पर, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे टोनर लगा लीजिए या फिर कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। यहाँ पर मैं बात कर रही थी और हंस भी रही थी, तो बस आप देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा और यूज़ कीजिए, जैसा भी होता है मुझे कमेंट कीजिएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक फेस पैक लगा लिया था। आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा स्टाइलिंग ग्लोइंग स्किन हो गई। अभी अगर आप हफ्ते में लगाते रहेंगे तो आपकी भी स्किन ब्राइट हो जाएगी और जो भी दाग धब्बे हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ओपन पोर्स आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आप इसे लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और देखिए, इसलिए मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए आप भी यूज़ कीजिए, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।